जम्मू कश्मीर में बादल फटा। तेज बहाव में बह गए घर और वाहन। भारतीय सेना ने संभाला मोर्चा। पहाड़ी इलाकों में बारिश बर्बादी लेकर आई है। लगातार हो रही बारिश और बादल फटने की घटनाओं में पहाड़ों में भयंकर तबाही मचाई है। वायनाड में भूस्खलन होने से ऐसी तबाही मची कि 350 से ज्यादा लोगों की जान तक चली गई, जबकि अभी भी 300 से ज्यादा लोग लापता हैं। ऐसे ही कुछ उत्तराखंड के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में भी देखने को मिला। दोनों ही प्रदेशों में लगातार लोगों की जान जाने की खबर भी सामने आई है। हिमाचल सरकार के मंत्री भी खुद इस बात को मान चुके हैं कि प्रदेश में 50 से ज्यादा लोगों की जान अभी तक जा चुकी है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बाद अब जम्मू कश्मीर में भी कुदरत का कहर जारी है। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों से बादल फटने की खबरें सामने आई हैं। बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के गांदरबल जिले के चेरवान इलाके में बादल फटा है। यहाँ बादल फटने से भयंकर तबाही मची है। कई वाहन पानी में बह चुके हैं और लोगों के घर भी उजड़ गए हैं। इसके अलावा पडब्बल के पास नहर ओवरफ्लो होने की वजह से सड़क पर कीचड़ जमा हो गई है, जिसकी वजह से SSG रोड बंद कर दिया गया है। अच्छी बात तो यह है कि यहाँ पर अभी किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई। गांदरबल जिले के ADC गुलजार अहमद ने बताया कि रविवार रात बादल फटने की वजह से यहाँ मलबा जमा हो गया। साथ ही उन्होंने बताया कि जिन घरों में मलबा घुसा हुआ है उन लोगों को बचाया गया और सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। जिला पुलिस प्रशासन और निजी प्रतिष्ठान मिलकर काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में हालात इतने बिगड़ गए हैं कि मदद के लिए भारतीय सेना को उतारना पड़ गया। बात अगर हिमाचल प्रदेश की मंडी की करें तो मंडी के राजबन गांव की, तो यहां पर बादल फटने से जान जाने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। बता दें आपको, हिमाचल प्रदेश के 3 जिलों शिमला, कुल्लू और मंडी में बादल फटने के बाद लापता हुए करीब 45 लोगों का पता लगाने के लिए बचाव अभियान लगातार जारी है, लेकिन अभी तक कोई सफलता हाथ नहीं लगी। NDRF, SGRF, ITBP, CISF और पुलिस के साथ साथ होमगार्ड की टीम के कुल 410 पुलिसकर्मी ड्रोन की मदद से खोजी अभियान में जुड़े हुए हैं। पहाड़ों में जिस तरह से हालात लगातार बिगड़ रहे हैं, ये एक बड़े खतरे की घंटी है, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में हालात काफ़ी ख़राब हो चुके हैं। वायनाड में जो कुछ हुआ वो सब ने देखा, और अब हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में जो हो रहा है वो भी सब देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लगातार बादल फटने की घटनाएं सामने आ रही हैं और लोगों को अपनी जान माल का नुकसान तो हो ही रहा है, बल्कि यहाँ पर अब हालात इतने बिगड़ते जा रहे हैं कि भारतीय सेना को खुद मोर्चा संभालना पड़ गया है। इस खबर में बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए 1 इंडिया हिंदी के साथ।